अगर ये ऐसे ही खांसता रहा तो पूरे दिन काम नहीं करने देगा, कुछ तो करना पड़ेगा। भाई ये पी ले, 10 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स यार, कमाल है यार, खांसी का ट्रीटमेंट 10 मिनट में तो पहली बार सुना है। एक्चुअली ये जुलाब की गोलियों से बना काढ़ा है। oh, no! इसको पी के अच्छे अच्छों की खांसी बंद हो जाती है। Run. सर्दी आई नहीं कि इम्यूनिटी गिरने लगती है। जैसे ही मौसम बदलता है, जुकाम, खांसी, गला खराब, छींके और यहाँ तक कि बुखार होने लगता है। सुनने में भले ही ये प्रॉब्लम्स छोटी लगें, लेकिन जब हो जाती हैं तो पूरे दिन काम करने का मन नहीं करता, और अगर ध्यान ना दें तो ये ही वायरल फीवर का कारण बन जाती है। लेकिन घबराएं नहीं, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसा इफेक्टिव 3-स्टेप आयुर्वेदिक रूटीन जिससे आपकी सर्दी जुकाम पहले से आधे वक्त में खत्म हो जाएगी बिना किसी दवाई या साइड इफेक्ट्स के। मैं खुद यही फॉलो करता हूं और इसका वर्णन हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी है। आइए तो फिर बिना किसी देरी के करें इस कॉमन कोल्ड की छुट्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सुबह उठकर थोड़ा गर्म पानी पीकर जब आप फ्रेश हो जाएं, तब आपको बनाना है एक आयुर्वेदिक काढ़ा। जितना ये बनाना आसान है, उतना ही इफेक्टिव भी है साइनस या कफ रिलेटेड प्रॉब्लम से राहत पाने के लिए। गैस पे एक पैन चढ़ा दें, इसमें एक गिलास पानी डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा अदरक, 1/4 चम्मच हल्दी, 4 से 5 ताजी पीसी काली मिर्च, थोड़ा सा गिलोय जूस और 7 से 8 तुलसी के पत्ते मिक्स कर दें और ढक दें। इसे अच्छे से तब तक बॉईल करें जब तक कि पानी 1/4 ना रह जाए। ढकने का कारण ये है कि जो बॉईल करने पे मेडिसिनल फ्यूम्स इसकी बनेंगी वो पैन के अंदर ही रहें। क्योंकि इसे धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट लगेंगे, आप इतने तैयार हो सकते हैं। जितने आप रेडी होंगे, आपकी ये पावरफुल कॉन्कॉक्शन भी रेडी हो जाएगी। गैस बंद कर दें और इसे एक कांच के ग्लास में छान लें। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसमें 1 चम्मच शहद और 1/2 नींबू निचोड़ दें। अब ये जो काढ़ा बना है, ये किसी भी और दवाई से ज्यादा कारगर है। एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल हर्ब्स का प्योर एक्सट्रैक्ट ये बाहर के उन महंगे एंटीबायोटिक से कहीं बेहतर है जो प्रॉब्लम को जड़ से ठीक नहीं कर पाते। अब अगर आप चाहते हो कि ये काढ़ा आपको पूरा फायदा दे, तो इसे तसल्ली से धीरे धीरे पिएं। गले में गर्मी पहुंचाती उन हर्ब्स को फील करें, और हाँ, इसे पीने के एटलीस्ट 45 मिनट तक कुछ ना खाएं। इसे आपकी बॉडी के अंदर काम करने दें। इतने आप बढ़ सकते हैं अगले स्टेप की ओर, जिसमें आपको लेनी है स्टीम। स्टीम एक इंस्टेंट तरीका है बंद नाक और खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स में आराम पाने के लिए। एक स्टीमर खरीद लें, नहीं तो आप पैन में भी पानी उबाल सकते हैं। एक कंफर्टेबल सीट पर बैठ जाएं, मुंह को टॉवल से ढक लें ताकि स्टीम बाहर ना निकले। फिर लंबी गहरी सांस खींचें और धीरे से छोड़ें। गर्म श्वास जब अंदर जाए तो फील करें कि अंदर जमा कफ पिघल रहा है। इस तरह से 2 से 3 मिनट स्टीम लें और फिर मुंह ढकते हुए 10 से 15 सेकंड के लिए रेस्ट करें। फिर स्टीम लें, इस तरह से कम 10 मिनट के लिए तो जरूर स्टीम लें। स्टीम लेने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, अंदर गर्मी आएगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, इंस्टेंटली आपको आराम महसूस होगा। स्टीम लेना बहुत आसान है, बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। पहला तो ये कि स्टीम लेते हुए अपनी आंखों को हाथों से ढक लें। गर्म स्टीम अगर खुली आंखों पे लगातार पड़े तो उन्हें डैमेज कर सकती है। दूसरा ये कि कमरे का पंखा बंद हो, और तीसरा ये कि स्टीम लेने के तुरंत बाद टॉवल ना उतारें, इससे ठंड लग सकती है। 2 मिनट वेट करें, फेस का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर टॉवल उतार दें। इस स्टेप के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी अगर आप मुझसे पूछें कि क्या बेस्ट रहेगा, तो मैं यही कहूंगा कि आप बेसन का चीला खाएं पुदीने की चटनी के साथ, या फिर किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। तो सुबह सुबह ही आपने काफी कुछ कर लिया है जिससे आपको सर्दी में बहुत आराम मिलेगा। अब बस एक स्टेप बचा है जो हम एग्जीक्यूट करेंगे रात को सोने से पहले। लेकिन सिर्फ रेमेडी पे ही फोकस ना रखें, बल्कि अपने लाइफस्टाइल को भी इसके अनुकूल बना लें। यकीन मानिए, इससे आपकी रिकवरी स्पीड डबल हो जाएगी। कैसे? ऐसे। Can I be your superhero?
अब रात को खाने में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ बेसन का शीरा पिए। बेसन का शीरा हमारी दादी और नानियों का सर्दी भगाने का सबसे टेस्टी नुस्खा है। बेसन गर्म होता है और काली मिर्च बादाम वगैरह डालकर दूध में बनाने से ये जल्दी असर करता है। एक ग्लास पी लें तो गर्मी आ जाएगी, बाकी डिनर में नहीं तो आप इसे शाम को भी पी सकते हैं। सर्दी जुकाम एक अच्छा टाइम है इसे पीने का, जरूर ट्राई करें। बस अब रात को जब आप सोने की तैयारी कर रहे हो तब आपको एग्जीक्यूट करना है स्टेप नंबर 3, जिसमें लगानी है अमृत धारा। अमृत धारा ऑयल की तरह होती है जिसमें पुदीना, कपूर, अजवाइन, लौंग का तेल, लोह भस्म और नीलगिरी का तेल का मिश्रण होता है। पतंजलि का भी दिव्य धारा नाम से एक सिमिलर प्रोडक्ट आता है, मैंने दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अमृत धारा एक पुराना फॉर्मूला है जो सर्दी जुकाम, गला खराब और चेस्ट कंजेशन के लिए बहुत कारगर है। आपको बस 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं और नाक, गले और छाती के बाहर लगा लें। काफी स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए आंखों से बचा के रखें। विक्स वेपोरब से कहीं बेहतर है ये। जहां विक्स वेपोरब में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और आर्टिफिशियल खुशबू है, अमृत धारा 100% नेचुरल है। अमृत धारा के बाद आप एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए स्टीम ले लें। इफेक्ट बढ़ाने के लिए आप पानी में अमृत धारा के 1 से 2 ड्रॉप भी डाल सकते हैं। तरीका वही है, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। सो दोस्तों, ये था 3-स्टेप आयुर्वेदिक रूटीन सर्दी जुकाम को नेचुरल तरीके से जड़ से ठीक करने के लिए। रीकैप करूं तो सुबह फ्रेश होने के बाद काढ़ा बनाकर धीरे धीरे पिएं, फिर 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम ले लें, फिर ब्रेकफास्ट कर लें, रात को सोने से पहले अमृत धारा से हल्की मसाज कर लें, आखिर में स्टीम लें और आराम से सो जाएं। इस रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि फीवर से तो बच ही जाएंगे बल्कि बहुत जल्दी ही बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। इस आयुर्वेदिक रूटीन में जो भी प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप अपने लिए एक टॉक्सिन फ्री फेस वॉश खरीदना चाहते हैं तो पवित्रा का फेस वॉश एक अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। पैक घुमा के देखें तो आप पाएंगे कि इसमें ना तो SLS, ना पैराबेंस, ना EDTAs, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या सिंथेटिक कलर्स डाले गए हैं। एलोवेरा और पॉमीग्रेनेट युक्त सेफ सर्फेक्टेंट से बनाया गया ये चारकोल बेस्ड डीप क्लेंजिंग फेस वॉश एंटी एक्ने और एंटी पोल्यूशन है। इसे सभी स्किन टाइप्स के मेन और वेमेन इस्तेमाल कर सकते हैं। पवित्रा का ये स्किन ब्राइटनिंग एंड स्किन फर्मिंग फेस वॉश खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।